Hello and welcome to session number 2 of Soft Skills. The topics covered in this session are characteristics of communication, communication model, elements of communication, barriers to communication, and how to overcome barriers to communication. Characteristics of communication: unavoidable and unintentional. Two-way exchange of information. Communication is a process. सबसे पहले हम समझते हैं कि communication क्या है. Communication एक process है जिसमें sender एक message receiver को send करता है और वो message एकदम clearly send होना चाहिए. So that is the process of communication. Sometimes communication is unavoidable and unintentional. जो break होता है communication में वो बिल्कुल unavoidable होता है. For example, अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है तो जो आप बात करना चाह रहे हैं, जो आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा सेंडर तक, रिसीवर तक. और समटाइम्स अनइंटेंशनल होता है कि कभी आप कुछ सोच रहे हैं और कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन उसका मीनिंग आप ठीक से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. सो कम्युनिकेशन कैन बी unintentional also. There's a two-way exchange of information. Communication हमेशा two-way होती है, कभी भी one-way नहीं होती है. Communication में दोनों तरफ से अगर sender message भेज रहा है receiver को, तो receiver की तरफ से भी कुछ feedback आना चाहिए. अगर receiver आपको बता देगा कि हाँ उसको आपकी बात समझ में आ गई है, या वो आपकी statement को rephrase कर देगा, तब आपकी जो communication है वो और clear और informative होगी. So that is how a communication is a process. Like there is a sender who sends a message to a receiver and then receiver gives a feedback, right? Requires sender and receiver, like I told you. And communication is verbal and non-verbal. Now sometimes what happens is कि हम जब communicate करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी से, हमारा message जो हम पहुँचाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ words को use नहीं करते हैं. अगर हम face-to-face communication करते हैं तो हमारी और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जैसे non-verbal cues. Non-verbal means body language, आपका eye contact, आपके hand movements, आपके facial expressions, आपका basically किस तरह से आप उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी सारी बातें बता देती हैं. यू नो जस्ट लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड इवन विदाउट द अदर पर्सन टेल्स अस. सो दैट इज़ नॉन वर्बल. सक्सेसफुल व्हेन मैसेज सेंट इज सेम एज मैसेज रिसीव्ड. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल जब आपने जो मैसेज भेजा है वही सेम मैसेज आपके रिसीवर तक पहुँचा है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट communication model. यहाँ आप देख सकते हैं there is a sender, he sends a message and there is a receiver. Now sometimes there is a channel, could be a mobile phone, could be any channel जिसके through आप बात कर रहे हैं. Sometimes उस channel में disturbance है, network problem है, तो वो जो आपका message है वो खराब होकर receiver तक पहुँचा है और receiver दोबारा से मैसेज को सुनता है, सोचता है, समझता है और वापस फीडबैक देता है. जो भी उसने रिसीव किया है वो वापस इसी तरह से सेंडर को डीकोड करके एनकोड भेज देता है. सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन मॉडल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ द सेंडर इज़ एन एनकोडर हु इज़ अ पर्सन हु ट्रांसमिट्स मैसेज. रिसीवर और अ डिकोडर इज़ अ पर्सन हु इंटरप्रेट्स द मैसेज. दैट इज एक सेंडर वो है जो मैसेज को भेजता है, रिसीवर वो है जो मैसेज को रिसीव करता है, समझता है और वापस डिकोड करता है. मैसेज इज अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर. चैनल इज अ मीडियम यूज टू डिलीवर मैसेज. ये चैनल कुछ भी हो सकता है, लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन, या फिर आप अगर SMS कर रहे हैं तो वो भी आपका जो चैनल है वो SMS है, मैसेज सर्विस है. और फीडबैक, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज. फीडबैक क्या होता है कि रिसीवर ने जो रिसीव किया है उसका रिस्पॉन्स क्या है, मैसेज उसको क्लियरली मिला है या नहीं मिला है. Elements of communication is another one is noise. That is the factor that interfere with communication. Example, physical, sociological or psychological. Now, कई बार होता है कि physical factors बहुत ज़्यादा
कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिकेशन के ब्रेक में, कि किस तरह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया है उसमें. फिजिकल फिजिकल सर्कमस्टांसिस ऑल्सो मैटर अ लॉट, फिजिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल. कभी आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप अपनी अपना जो मैसेज है, अपनी बात आप ठीक से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचा सकते. कॉन्टेक्स्ट, आप उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट भूल रहे हैं बल्कि आसपास की और बातें कर रहे हैं. कम्युनिकेशन की सेटिंग में प्रॉब्लम ला सकता है कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स. कई बार इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस है, कई बार बहुत तेज़ हवा चल रही है या तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकता है, या आप बहुत दूर से खड़े होकर अगर किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं उस तक बात नहीं पहुंची, आवाज़ नहीं पहुंची और आसपास उसके बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. कुड बी बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स कहीं चल रहे हैं, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, तो ऑफकोर्स सेंडर तक आप रिसीवर तक आप मैसेज नहीं पहुंचा सकते ठीक से. क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कुड बी टाइम रिलेटेड फैक्टर्स, कि टाइम कम है, बात आपको कम टाइम में एक्सप्लेन करनी है, तब कई बार आप नहीं बता सकते. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. नाउ समटाइम्स एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है. सपोज आपका आपकी लैंग्वेज, आप इंग्लिश में बात करते हैं, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही बात करते हैं, हिंदी में अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन जो रिसीवर है वो किसी और जगह से आया है और उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि आपकी बात वो ठीक से नहीं समझ पाएगा. नाउ आई डोंट नो फ्रेंच, और अगर कोई मुझे फ्रेंच में आके बोले कि आप अपना नाम बताइए, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. नाउ दिस इज़ अनदर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. हियर यू कैन सी टू कम्युनिकेटर्स, कम्युनिकेटर ए एंड कम्युनिकेटर बी. कम्युनिकेटर ए कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा है, कॉमन लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज कम्युनिकेटर बी को भी समझ आती है. तो कम्युनिकेटर ए ने एक लैंग्वेज में बात की, वो थॉट्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट, वो एकदम बात कर रहे हैं अपने सोच समझ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका इंटैक्ट है, और वो अपना मैसेज एक चैनल के थ्रू पहुंचाते हैं कम्युनिकेटर बी तक. कम्युनिकेटर बी डीकोड करते हैं मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को, और अपना रिस्पांस वापस उसी कॉन्टेक्स्ट में वापस भेजते हैं. सो ही रिस्पॉन्स टू द ट्रांसमिटर थ्रू अ चैनल एंड देयर इज़ एन एयर मीडियम ऑफकोर्स, एंड द कम्युनिकेटर टू इज़ रिसीविंग अ मैसेज. नाउ ये जो एयर मीडियम है बीच में, ये बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में. Could be a physical problem, could be related to sociological factors, could be related to psychological factors. Now let us come to barriers to communication. Now barriers to communication, अभी हमने पहले भी discuss किया, environmental barriers होते हैं बहुत बार, physical factors होते हैं, could be any problems like in the environment. अगर आप के आसपास की सराउंडिंग्स में बहुत शोर है, अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं एक साथ बात कर रहे हैं, तो आप रिसीवर के मैसेज को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, या अपने मैसेज को भी रिसीवर तक ठीक से पहुंचा नहीं पाएंगे, राइट? इंडिविजुअल बैरियर्स हो सकते हैं, दैट इज़ एटीट्यूडनल बैरियर्स. कई बार क्या होता है कि हमारे एटीट्यूड में प्रॉब्लम होती है, कई बार किसी इंसान के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, वो हमसे बात नहीं करना और काम करना है, एंड हम उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सो इट कुड बी एन इंडिविजुअल बैरियर. कुड बी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दैट इज़ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में. क्यों होता है मिसकम्युनिकेशन? क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं है. तभी कहते हैं कि अगर आपने फ़ोन पर कोई बात की है, तो उसको आप रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भी सेम मैसेज को पहुंचा दीजिए. जो भी बात आप फ़ोन पे कर रहे हैं, उसके बाद आप एक मेल लिखिए, ईमेल लिखिए, और सेम डिपार्टमेंट को भेज दीजिए. तभी ये जो मिसकम्युनिकेशन है ये नहीं होगी. जो बात आपने किया है उसको रिटर्न में लिख देंगे, तो कंफर्म हो जाएगा कि येस, दिस वॉज एग्जैक्टली द थिंग. चैनल बैरियर्स कुड बी चॉइस ऑफ द रॉन्ग चैनल. लिंग्विस्टिक बैरियर कुड बी यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, हाईली टेक्निकल लैंग्वेज विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. देर कुड बी कल्चरल बैरियर्स लाइक डिफरेंसेज इन कल्चरल वैल्यूज. लाइक अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं, और आपके सामने जो आपका रिसीवर है वो किसी और कल्चर को बिलोंग करता है, और आप अपने कल्चर के बारे में उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो फिर
कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि वो ठीक से नहीं समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं. सिमेंटिक बैरियर्स आर डिफरेंसेस इन मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. कई बार क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को इस तरह से आप अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज ओनली लैंग्वेज बैरियर ओनली कि कई बार आपके लिए एक वर्ड का मीनिंग कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वे यू स्पीक ऑल्सो. नॉन वर्बल बैरियर्स कुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग नॉन वर्बल मैसेजेस. कई बार क्या होता है कि आपके आई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं. सो दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग नॉन वर्बल मैसेजेस. नाउ हाउ डू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. यू शुड फर्स्ट इंश्योर द रिसीट ऑफ इंटेंडेड मैसेज कि यस जो आपने मैसेज भेजा है, जो भेजना चाहते हैं, क्या वो रिसीवर तक एग्जैक्टली सेम टू सेम पहुंचा है और वो किस तरह से कर सकते हैं आप. एक मेथड मैंने आपको बताया है कि एक फॉलो अप ईमेल लिख दीजिए कि अभी हमारी फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हुई थी, हमने ये डिसाइड किया था और आगे हम ये एक्शंस लेंगे. इसी तरह से अगर आप किसी मीटिंग में हैं, मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएं, नोट करते रहें जो जो पॉइंट्स आपने मीटिंग में डिस्कस किए हैं. उसके बाद आप एक रिटन फॉर्म में उसको लिख लीजिए और इंश्योर कर लीजिए कि ये कम्युनिकेशन हमारा पक्का यही हुआ था और सब तक यही पहुंचा है. लास्ट में जितने भी लोग मीटिंग में थे उनको सेम मिनट्स ऑफ मीटिंग मेल कर दीजिए. ऑलराइट, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ ओपननेस. एक ओपननेस की क्लाइमेट क्रिएट कीजिए जहाँ पर हर किसी को पूरा फ्रीडम है बात करने का. यूज़ मल्टीपल चैनल्स टू कम्युनिकेट. अगेन लाइक आई टोल्ड यू, सिर्फ फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए. कुड बी रिटन कम्युनिकेशन, कुड बी ओवर द फोन, कुड बी SMS. कितने सारे चैनल्स हैं जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. लिसन एक्टिवली, दूसरे की बात को आराम से सुनिए क्योंकि सुनना बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो लिसनिंग इज़ ट्वाइस डिफिकल्ट देन स्पीकिंग. सो जितना आप अच्छे से सुनेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हैं. सो मोर लिसन मोर एंड स्पीक लेस. वर्ड मैसेजेस क्लियरली. आप अपने जो वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं वर्ड्स, उनको आप क्लियरली यूज़ कीजिए. सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल्स. सॉफ्ट स्किल्स, रीजंस फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. अब क्या इंपॉर्टेंस है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने वर्क प्लेस पर हर किसी के साथ बातें करते रहें, हर किसी के साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके रहें. सॉफ्ट स्किल्स रैंक अबव हार्ड स्किल्स. नाउ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में सबसे पहले तो डिफरेंस जान लेते हैं. सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी जॉब में सस्टेन करने के लिए, बल्कि हार्ड स्किल्स वो स्किल्स हैं जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डिग्रीज, जितने भी आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, दे आर हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स हेल्प यू टू गेट अ जॉब, बट सॉफ्ट स्किल्स हेल्प यू टू स्टे इन अ जॉब. कम्युनिकेशन फॉर अ बेटर टीम वर्क. जितना ज़्यादा अच्छा टीम वर्क आप चाहते हैं उसके लिए आपको उतना ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा लोगों का फीडबैक लेना पड़ेगा. उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन टू एक्सप्लेन टेक्नोलॉजी. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उस पर किस तरह से बात करते हैं, उसको किस तरह से वर्क करते हैं उसके ऊपर, ये आपको सबको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज है और दूसरे को नहीं है आपकी टीम में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कम्युनिकेट करके बता दें कि यस दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स इन दिस वे. सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम प्लेयर, एज अ टीम मेम्बर टू एक्सप्लेन इट टू दी अदर पर्सन. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किल्स वर्सेज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. हाउ कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. कम्युनिकेशन आपकी परफॉर्मेंस सर्टनली इम्प्रूव करता है. किस तरह से? बेटर इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है. जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज़्यादा बातें करेंगे, आप सपोज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ के आए हैं जो और लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आपके थ्रू दूसरों को 10 पीपल नाउ आर अवेयर कि आज की न्यूज़ क्या है अगर आप उनको आके बताएंगे तो. दिस इज़ हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लोज. ग्रेटर सेंस ऑफ टीम वर्क होता है. इम्प्रूव्ड वर्क रिलेशनशिप्स होते हैं. क्विकर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं. मोर मोटिवेशन टू परफॉर्म. सभी लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि यस आई एम गोइंग टू परफॉर्म बेटर. आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और लोगों के लिए कि यस इफ दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग सो वेल, इफ दिस पर्सन इज अ टीम प्लेयर, व्हाई कांट आई बी. सो एवरीवन इज ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय यू. स्ट्रॉन्गर लिंक विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. जो आपके क्लाइंट्स हैं कंपनीज के, उनके साथ भी आपके स्ट्रॉन्गर लिंक्स
बन जाते हैं. एंड फाइनली दिस इज एन एक्टिविटी टू डू इट योरसेल्फ. व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किया इस सेशन में. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिमेंबर देयर इज अ सेंडर हु सेंड्स अ मैसेज थ्रू अ चैनल एंड देन रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, इंटरप्रेट्स द मैसेज, डीकोड्स द मैसेज एंड अगेन सेंड्स हिज फीडबैक टू द सेंडर. एंड फाइनली हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन.